तो अगर मैं हैदराबाद की आपसे बात कहूं कि यहाँ पे पसमानदा मुसलमानों का क्या हाल है, तो यहाँ पे हैदराबाद में जितने मुसलमान रहते हैं ना, उसमें 87% मुसलमान पसमानदा है, पसमानदा तबकात से बिलोंग करते हैं। और पिछले रमजान में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि हैदराबाद में जितने स्लम्स है ना, 85% मुसलमान स्लम्स में ही रहते हैं, सिर्फ 15% मुसलमान है, 15% गैर मुस्लिम है जो स्लम्स में नहीं रहते। और ये जो मुसलमान है पसमानदा हैदराबाद के, इनके पास ना हेल्थ फैसिलिटीज है, ना एजुकेशनल फैसिलिटीज है, ना इनके पास ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इनके पास कोई सही तरीके से एम्प्लॉयमेंट है। आपको हाईटेक सिटी हैदराबाद का, जो दूसरा न्यू सिटी जैसे कहा जाता है, हाईटेक सिटी, वहां पे बड़े बड़े कंपनीज मिलेंगे, वहां पे आपको बड़े बड़े जो है सो क्या बोल सकते हैं आप, रोजगार के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। लेकिन ये जो ओल्ड सिटी है, पुराना शहर जो है, यहाँ पे पसमानदा मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हैदराबाद में दो बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आते हैं, एक गांधी हॉस्पिटल है जो कि नए शहर में है, और एक उस्मानिया हॉस्पिटल है जो पुराने शहर में है। गांधी हॉस्पिटल में आपको पूरे फैसिलिटीज मिलेंगे, लेकिन पुराने शहर में जहाँ पे अतराफ में पूरे पसमानदा मुसलमान रहते हैं, वहां पे कुत्ते फिरते हैं आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में ये जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना वो फिरते हैं, तो उतना बुरा हाल है। गवर्नमेंट स्कूल जो है हैदराबाद पुराने शहर में बद से बदतर है। यहाँ पर आंगनवाड़ी में सही तरीके से इनरोलमेंट मुसलमानों का, पसमानदा मुसलमानों का नहीं है, बल्कि 38% रिपोर्ट है मेरे पास, 38% पसमानदा मुसलमानों के पास वाइट कार्ड बीपीएल कार्ड तक नहीं है, इनके पास ठीक से आधार कार्ड नहीं है, इनके पास ठीक से वोटर आईडी नहीं है, इनके पास इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी ठीक से नहीं है। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐलान भी कर दे इनके लिए, उसकी सहूलत का फायदा उठाने भी इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यहाँ की पसमानदगी का हैदराबाद के वो हाल है। तो ग्राउंड पे उतर के जब तक काम नहीं किया जाता, यहाँ पे शोला बयानी बहुत ज्यादा होती है हैदराबाद में, बेवकूफ बनाया जाता है, बीजेपी आरएसएस का डर बिठाया जाता है, लेकिन मुसलमान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से भी ज्यादा इनकी परिस्थिति आज खराब हो गई है। तो मुसलमानों को समझना चाहिए। औकाफी प्रॉपर्टीज की भी अगर मैं बात करूं, तो पूरे तेलंगाना में 77,538 एकर्स औकाफी प्रॉपर्टीज है, लैंड 77,538, जिसमें से 57,000 एकर्स कब्जा हो गया, इंक्रोच हो गया। कौन करे? मेजॉरिटी ऑफ द औकाफी प्रॉपर्टीज अशराफ मुसलमानी करे, या जो अशराफ लीडर आए हैं हमारे, ये जो अशराफ मुतवलिया हैं, ये अशराफ सज्जादे हैं, यही बेच लिए सब। ये औकाफी जायदादें पसमानदा मुसलमानों का हक था, लेकिन सब इनक्रोच हो गए। तो बहुत बुरा हाल है तेलंगाना के पसमानदा मुसलमानों अच्छा का, अनंत हैदराबाद के भाई पसमानदा मुसलमानों। जी, जी अनंत अब मैं खत्म करने की ओर बढ़ रहा हूँ, कुछ कुछ सवाल कर लेते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन से भी बात कर लेते हैं और खत्म करते हैं।